हेलो फ्रेंड्स, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं बलराम सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ राजवंश के बारे में, और पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के बारे में और दुर्गादास राठौड़ के बारे में। अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में अजीत सिंह की जो हत्या थी इसके पुत्र भक्त सिंह के द्वारा कर दी गई, और भक्त सिंह कहलाया मारवाड़ का दूसरा पितृंता शासक। पर याद रखना दोस्तों, भक्त सिंह के बाद में अजीत सिंह के में शासक भक्त सिंह ही नहीं बना था, उसने शासन के लोभ में इसकी हत्या नहीं की थी। तो यहां पर देखिए, जो अजीत सिंह के बाद में शासक बना है दोस्तों, वो कौन बना है? अभय सिंह। अजीत सिंह के बाद में शासक कौन हुआ है? अभय सिंह। अभय सिंह की बात करें दोस्तों, 1724 से लेकर 1749 तक ये शासक रहा है। तो अभय सिंह की बात करें, देखिए इसके काल की जो दोस्तों सबसे प्रमुख घटना घटी है वो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। देखिए, इसके काल की सबसे प्रमुख घटना क्या घटी है कि इसके काल की सबसे प्रमुख घटना विक्रम संवत 1787 यानी कि 1730 ईस्वी में खिजड़ली गांव जोधपुर में घटी थी। यहां पर एक लेडीज थी अमृता देवी बिश्नोई, और अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुष वृक्षों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। ये इसके काल की प्रमुख क्या है? घटना। तो इसके काल की जो प्रमुख घटना घटी थी वो कब घटी है दोस्तों? 1730 ईस्वी में। कब घटी है दोस्तों? 1730 ईस्वी में। दोस्तों याद रखना, इसे आपसे संवत में भी पूछ सकता है, विक्रम संवत 1787। जब ईस्वी में इसे हमें सन निकालना होता है तो ईस्वी में क्या जोड़ देते हैं? प्लस कर देते हैं दोस्तों 57, और निकल के आ जाता है क्या? संवत। तो विक्रम संवत 1787 ईस्वी में या 1730 ईस्वी में इसके काल की प्रमुख जो घटना घटी थी वो कौन से गांव में घटी थी दोस्तों? खेजड़ली गांव। कौन सा गांव था? खेजड़ली गांव। और खेजड़ली गांव कहां पर पड़ता है दोस्तों? जोधपुर में। खिजड़ली गांव जोधपुर में एक घटना घटी थी दोस्तों। घटना क्या घटी थी? देखिए, अभय सिंह को एक महल बनाने की आवश्यकता थी, और महल के लिए जो चूना है उसे पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। तो अभय सिंह ने इसका एक हाकिम था गिरधारी दास, और गिरधारी दास को भेज दिया खिजड़ली गाँव में कि यहाँ खिजड़ी के वृक्षों की क्या है अधिकता, तू वहाँ जा और वहाँ पर जाकर क्या कर, खिजड़ी के वृक्षों को काट कर ले आ। गिरधारी दास, अभय सिंह का हाकिम कौन था? गिरधारी दास। और ये गिरधारी दास कौन से गांव में आया दोस्तों? खिजड़ली गांव में। और इसने खिजड़ली गांव में आकर वृक्षों को काटना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। और यहां पर देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि जब गिरधारी दास वृक्षों को काट रहा था तो अमृता देवी को इस बात की पता चली, और अमृता देवी का पूरा नाम है अमृता देवी बिश्नोई, और आपको सबको पता होगा जो बिश्नोई समाज है वो पूरे भारत में वृक्षों की या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। बिश्नोई धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं जाम्बू जी, उन्होंने 29 नियम दिए थे, वो उन्हें मानने वाले बिश्नोई कहलाए थे। जब मैं संत संप्रदाय आपके लिए पढ़ाऊंगा तो उसमें जाम्बू जी का भी जिक्र आएगा, और वहीं हमें पता चलेगा दोस्तों कि ये पर्यावरण सुरक्षा में अग्रणी माने जाते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बिश्नोई समाज जाना जाता है। तो यहाँ खेजड़ली गाँव जोधपुर में जब अमृता देवी को पता चला कि ऐसे वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो यहां पर अमृता देवी ने इनसे वृक्ष काटने के लिए क्या किया दोस्तों? मना किया। लेडीज का क्या नाम मिलता है दोस्तों? अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई ने वृक्ष काटने से क्या किया है? मना। हाकिम ने जब इसकी बात नहीं मानी तो ये पेड़ से लिपट गई कि पहले मुझे काटो उसके बाद में पेड़ कटेगा। तो यहाँ पर गिरधारी दास ने किसकी हत्या करवा दी? अमृता देवी बिश्नोई की। अमृता देवी के अगर हम पति की बात करें दोस्तों, तो इसके पति का नाम मिलता है रामू, और कुछ किताबों में इसका नाम मिलता है रामो। अमृता देवी के पति का नाम क्या था दोस्तों? रामू या रामो। तो इसके काल की प्रमुख घटना 1730 ईस्वी में खेजड़ली गांव जोधपुर में घटी। यहां हाकिम गिरधारी दास के नेतृत्व में वृक्षों को काटने जिसने सेना भेजी है, और यहाँ अमृता देवी बिश्नोई ने वृक्षों की क्या की है? रक्षा। तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में
इसके नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुष वृक्षों की रक्षा करते हुए मारे गए। कितने स्त्री पुरुष मारे गए दोस्तों? 363 स्त्री पुरुष वृक्षों की रक्षा करते हुए मारे गए। तो याद रखना दोस्तों, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुष वृक्षों की रक्षा करते हुए मारे गए। इस घटना की याद में प्रतिवर्ष एक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, खेजड़ली दिवस। कौन सा दिवस? खेजड़ली दिवस। और खेजड़ली दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 सितंबर को। इसी घटना की याद में यहां पर लगाया जाता है वृक्ष मेला। क्या लगाया जाता है? वृक्ष मेला। तो देखिए, खेजड़ली गांव में क्या लगता है दोस्तों? वृक्ष मेला। राजस्थान में एक वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में भी लगता है। तो ये वृक्ष मेला जो खेजड़ली गांव में लगता है, ये बहुत फेमस वृक्ष मेला है। वृक्ष मेला कौन से गांव में लगता है दोस्तों? खेजड़ली गांव में। कौन से गांव में? खेजड़ली गांव में। और खेजड़ली गांव कहाँ है? जोधपुर में। देखिए, ये वृक्ष मेला दोस्तों कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। कब लगवाया जाता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस गांव में लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में। देखिए, अवैसी के काल की प्रमुख घटना 1730 ईस्वी या विक्रम संवत 1787 ईस्वी में घटी थी। कौन से गांव में? खेजड़ली गांव जोधपुर में। यहां अवैसी का एक हाकिम था गिरधारी दास, जो पेड़ों को काटने के लिए आया। यहाँ अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वृक्षों की रक्षा करते हुए 363 स्त्री पुरुष मारे गए। अमृता देवी के पति का नाम था क्या? था रामू या रामो। खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर। वृक्ष मेला कहां लगता है? खेजड़ली गांव में। कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। देखिए, अमृता देवी की याद में दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है वानिकी के क्षेत्र में, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, जो दिया जाता है वानिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? वानिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? वानिकी के क्षेत्र में, यानी वनों की रक्षा के लिए, पेड़ पौधे जीव जंतुओं की रक्षा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, इस पुरस्कार की दोस्तों शुरुआत हुई थी 1994 ईस्वी में। कब हुई है दोस्तों? 1994 ईस्वी में। और प्रथम जो प्राप्तकर्ता है, इस पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता है गंगाराम बिश्नोई। कौन हुआ है दोस्तों? गंगाराम बिश्नोई इस पुरस्कार का प्रथम क्या है? प्राप्तकर्ता। देखिए, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वानिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1994 में की गई। और इसका प्रथम जो प्राप्तकर्ता है वो कौन है दोस्तों? गंगाराम बिश्नोई। दोस्तों, आपने एक चीज पढ़ी होगी, देखिए ऐसा ही एक मिलता जुलता जो आंदोलन हुआ था, आपने एक आंदोलन सुना होगा चिपको आंदोलन, जो भारत का फेमस आंदोलन हुआ है। देखिए, चिपको आंदोलन, यहाँ ये इस आंदोलन से संबंधित नहीं है, पर इस जैसा ही एक आंदोलन हुआ है। कौन सा? चिपको आंदोलन। बात करें चिपको आंदोलन की, तो याद रखना दोस्तों, चिपको जो आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1973 ईस्वी में।
कब हुआ था? 1973 में। और ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है दोस्तों? उत्तराखंड में हुआ था। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। बात करें चिपको आंदोलन की, तो देखिए चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तक कहलाते हैं, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कहलाते हैं दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। कौन कहलाता है दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा। ये किस आंदोलन के प्रवर्तक हैं? चिपको आंदोलन के। देखिए चिपको आंदोलन कब हुआ है? 1973 में। कहां पर हुआ था? उत्तराखंड में। इसके प्रवर्तक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो अभय सिंह के काल की प्रमुख घटना 1730 ईस्वी में या विक्रम संवत 1787 में खेजड़ली गांव जोधपुर में घटी थी। किसके नेतृत्व में दोस्तों? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वृक्षों की रक्षा करते हुए 363 स्त्री पुरुष मारे गए थे। अमृता देवी के पति का नाम क्या मिलता है दोस्तों? रामू या रामू। क्या नाम मिलता है दोस्तों? रामू या रामू। बात करें देखिए इस घटना की याद में कौन सा दिवस, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। इसके बाद में देखिए यहाँ वृक्ष मेला कौन से गांव में लगता है? खेजड़ली गांव में। कब लगवाया जाता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। अमृता देवी की याद में वानिकी के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994 ईस्वी में। और पहला जो प्राप्तकर्ता था वो कौन हुआ था दोस्तों? गंगाराम बिश्नोई। कौन हुआ है? गंगाराम बिश्नोई। और देखिए इसी जैसा एक आंदोलन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। और इसके प्रवर्तक जो माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। देखिए अभय सिंह की बात करें तो अभय सिंह के अगर हम दरबारियों की बात करें, अभय सिंह के दरबारी, इसके हम दरबारियों की बात करें, इसके दरबारियों की बात करें तो देखिए इसका एक दरबारी हुआ है दोस्तों कर्णीदान। कौन हुआ है? कर्णीदान। इसका एक दरबारी मिलता है दोस्तों कर्णीदान। और कर्णीदान ने ग्रंथ लिखा है सूरज प्रकाश। कौन सा ग्रंथ लिखा है? सूरज प्रकाश। इसके बाद इसकी बात करें देखिए इसका एक और दरबारी हुआ वीर भाण। कौन हुआ है दोस्तों? वीर भाण। और वीर भाण की बात करें तो इसका जो ग्रंथ है, इसने ग्रंथ लिखा है राज रूपक। कौन सा ग्रंथ लिखा है? राजरूपक। वीरवाण ने अपने ग्रंथ राजरूपक में एक युद्ध का वर्णन किया था दोस्तों, अहमदाबाद का युद्ध। कौन सा युद्ध? वीरवाण ने एक युद्ध का वर्णन किया है अहमदाबाद का युद्ध। वीरवाण ने कहा है कि अहमदाबाद का जो युद्ध हुआ है इसमें अभय सिंह ने सरबुलंद खां को हराया था। किसे हराया था? सरबुलंद खां को। तो ये जो युद्ध हुआ है सरबुलंद खां, जो अहमदाबाद के शासक माने जाते थे, और किसके मध्य हुआ था दोस्तों? अभय सिंह के मध्य। सरबुलंद खां और अभय सिंह के मध्य युद्ध हुआ है, कौन सा? अहमदाबाद का युद्ध, जिसमें जीत किसकी हुई है दोस्तों? अभय सिंह की। किसकी जीत हुई है? अभय सिंह की। और इसमें सरबुलंद खां की क्या हुई है? हार। तो इसके दरबारियों की बात करें, इसका एक दरबारी है कर्णीदान। कर्णीदान ने ग्रंथ लिखा है सूरज प्रकाश। इसका एक दरबारी है कौन? वीरभाण। और वीरभाण का ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? राजरूपक। इसके बाद में देखिए वीरवाण ने अपने ग्रंथ राजरूपक में अहमदाबाद के युद्ध का क्या किया है? वर्णन किया है। अहमदाबाद का युद्ध हुआ था सरबुलंद खां वर्सेज किसके मध्य? अभय सिंह के मध्य, जिसमें अभय सिंह की जीत हुई थी और बुलंद खां की क्या हुई है? हार।
तो देखिए एक बार मैं आपको दोबारा से अवै सिंह के बारे में बता रहा हूँ। अवै सिंह विक्रम संवत 1787 या 1730 ईस्वी में इसके काल की प्रमुख जो घटना घटी थी खेजड़ली गांव में घटी थी। खेजड़ली गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? जोधपुर में। यहाँ इसका एक हाकिम गिरधारी दास वृक्ष काटने के लिए आया और वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ली गाँव में 363 स्त्री पुरुष मारे गए। यहाँ देखिए अमृता देवी के पति का नाम रामू या रामू। इस घटना की याद में खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। यहाँ वृक्ष मेला लगता है कब? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में? वानिकी के क्षेत्र में, जिसकी शुरुआत 1994 से की गई। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे दोस्तों? गंगाराम विश्नोई। ऐसा ही एक बहुत फेमस आंदोलन भारत के संदर्भ में हुआ है, कौन सा? चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में उत्तराखंड में। और चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, ये माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुड़ा। कौन माने जाते हैं दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुड़ा। इसके बाद में बात करें, देखिए इसके जो दरबारी हुए हैं, अवै सिंह का एक दरबारी हुआ था कर्णीदान, और कर्णीदान ने ग्रंथ लिखा है सूरज प्रकाश। इसका एक और दरबारी हुआ है बीरवाण, बीरवाण का ग्रंथ है राजरूपक। और बीरवाण ने अपने ग्रंथ राजरूपक में एक युद्ध का वर्णन किया है, अहमदाबाद के युद्ध का, जिसमें अवै सिंह ने सरबुलंद खां को क्या किया था? पराजित किया था। अवै सिंह ने सरबुलंद खां को क्या किया है? पराजित। इसके बाद देखिए 1749 ईस्वी में अवै सिंह के बाद जो गद्दी पर बैठा था वो बैठा था बख्त सिंह। कौन बैठा था दोस्तों? बख्त सिंह। बख्त सिंह। देखिए दोस्तों बख्त सिंह के बारे में मैंने बताया था, इसने अजीत सिंह की क्या की थी? हत्या। इसने अजीत सिंह की क्या की थी? हत्या। तो इसे क्या बोला जाता है? मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक। बख्त सिंह को बोला जाता है दोस्तों मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक। कौन कहलाता है दोस्तों? बख्त सिंह। बख्त सिंह के बाद में जो अगला शासक हुआ था दोस्तों, ये हुआ है कौन? विजय सिंह। बख्त सिंह के बाद में अगला शासक कौन है? विजय सिंह। देखिए दोस्तों बात करें विजय सिंह की, बख्त सिंह जिसने अजीत सिंह की क्या की है? हत्या की है। और इसलिए ये क्या कहलाया है? मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक। कौन कहलाया है दोस्तों? बख्त सिंह कहलाया है। बख्त सिंह के बाद में गद्दी पर कौन बैठा है? विजय सिंह। देखिए विजय सिंह, विजय सिंह ने मारवाड़ में दोस्तों एक सिक्का चलाया था, विजयशाही सिक्का। इसने ही सर्वप्रथम दादू पंथियों को अपनी सेना में क्या दी थी? जगह दी थी। इसकी एक प्रेमिका या पासवान थी गुलाब राय, और गुलाब राय को श्यामलदास भीलवाड़ा ने कहा है क्या? मारवाड़ की नूरजहां। इसी गुलाब राय के कहने पर इसने मारवाड़ में पशु वध पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। देखिए बात करें विजय सिंह की, तो इस विजय सिंह ने मारवाड़ में सर्वप्रथम एक सिक्का चलाया, विजयशाही सिक्का। तो इसने मारवाड़ में सर्वप्रथम विजयशाही सिक्का चलाया। कौन सा सिक्का चलाया है? विजयशाही सिक्का चलाया। इसने मारवाड़ में सर्वप्रथम कौन सा सिक्का चलाया दोस्तों? विजयशाही सिक्का। इसके बाद में बात करें, देखिए इसने अपनी सेना में दादू पंथियों को क्या दी थी? जगह दी थी। इसने अपनी सेना में दादू पंथियों को जगह दी थी। किसे जगह दी है दोस्तों? दादू पंथियों को अपनी सेना में क्या दी थी? जगह दी थी। देखिए दादू पंथ के बारे में आप सभी जानते होंगे,
दादू जो पंथ है दादू दयाल ने चलाया था और उसकी कुछ शाखाएं हैं। पांच शाखाओं में जो दादू पंथ विभक्त है, पांच शाखाओं में एक शाखा होते हैं नागा साधु, और नागा साधु हमेशा अपने संग साथ में क्या रखते हैं, हथियार रखते हैं। वो उन साधुओं को या दादू पंथियों को अपनी सेना में जगह किसने दी है दोस्तों, विजय सिंह ने। तो इसने अपनी सेना में सर्वप्रथम दादू पंथियों को क्या दी थी दोस्तों, जगह दी थी। देखिए इसकी पासवान की अगर हम बात करें तो विजय सिंह की पासवान, इसकी पासवान हुई थी दोस्तों गुलाब राय। कौन हुई है दोस्तों, गुलाब राय। और गुलाब राय के बारे में एक लेखक को बताए थे मैंने, इतिहासकारों में भी पढ़ाया था, मेवाड़ के इतिहास में भी इनका जिक्र आया था। देखिए एक लेखक हुए हैं, लेखक का नाम है क्या, श्यामल दास। और श्यामल दास रहने वाले कहाँ के हैं, भीलवाड़ा के। कहाँ के रहने वाले, भीलवाड़ा। और श्यामल दास भीलवाड़ा ने एक पुस्तक लिखी है, बहुत फेमस ग्रंथ है, वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ है, वीर विनोद। श्यामल दास भीलवाड़ा ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में इस गुलाब राय को कहा है दोस्तों मारवाड़ की नूर जहां। क्या कहा है दोस्तों, मारवाड़ की नूरजहां। किसे कहा है दोस्तों, गुलाब राय को। गुलाब राय को इसने क्या कहा है, मारवाड़ की नूरजहां। देखिए दोस्तों नूरजहां जो हुई है ये पत्नी मानी जाती है जहांगीर की। मुगल बादशाह हुआ था जहांगीर, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या मिलता है, नूरजहां। और ऐसा बताते हैं जहांगीर के काल में सर्वाधिक जो फैसले लिए जाते थे वो कौन लेती थी, नूरजहां। इसी तरह मारवाड़ में विजय सिंह के काल में जो सर्वाधिक फैसले लिए जाते थे वो कौन लेती थी दोस्तों, गुलाब राय। इसलिए श्यामल दास भीलवाड़ा ने इसे क्या कहा है, मारवाड़ की नूरजहां। देखिए इसी नूरजहां ने गुलाब सागर तालाब, रानीसर तालाब, महिलावाग का झालरा, इनका क्या करवाया था, निर्माण। तो गुलाब राय ने जोधपुर में इसने जोधपुर में रानीसर तालाब, महिला बाग का झालरा, देखिए दोस्तों जो गुलाब राय हुई है जिससे मारवाड़ की क्या कहा गया है, नूरजहां कहा गया है, इसने जोधपुर में रानीसर तालाब, महिला बाग का झालरा, गुलाब सागर इन तालाबों का क्या करवाया था दोस्तों, निर्माण करवाया था। किस किस चीज का निर्माण करवाया दोस्तों, रानीसर तालाब, महिला बाग का झालरा, गुलाब सागर का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। किसने करवाया दोस्तों, गुलाब राय। तो विजय सिंह की पासवान का नाम क्या मिलता है, गुलाब राय। इसे श्यामल दास भीलवाड़ा ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में क्या कहा है, मारवाड़ की नूरजहां। और इसने जोधपुर में रानीसर तालाब, महिला बाग का झालरा तथा गुलाब सागर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों इसी विजय सिंह ने इसके कहने पर विजय सिंह ने मारवाड़ में पशु वध पर रोक लगाई थी। पशु वध पर क्या लगवाई थी दोस्तों, रोक लगाई थी। तो देखिए दोस्तों इसी गुलाब राय के कहने पर विजय सिंह ने मारवाड़ में पशु वध पर क्या लगवाई थी, रोक लगवाई थी। विजय सिंह ने मारवाड़ में वैष्णव संप्रदाय के क्या बनवाए थे, मंदिर बनवाए थे। तो विजय सिंह ने इसने मारवाड़ में वैष्णव संप्रदाय के
मंदिर बनवाए थे, मंदिर बनवाए थे। तो विजय सिंह ने मारवाड़ में वैष्णव संप्रदाय के क्या बनवाए थे, मंदिर बनवाए थे। देखिए भक्त सिंह को बोला जाता है मारवाड़ का दूसरा पितृंता शासक। विजय सिंह ने मारवाड़ में सर्वप्रथम विजयशाही क्या चलाया था, सिक्का चलाया था। इसने सर्वप्रथम अपनी सेना में दादू पंथियों को क्या दी थी दोस्तों, जगह दी थी। इसकी प्रेमिका या पासवान का नाम क्या मिलता है, गुलाब राय। और गुलाब राय को श्यामलदास भीलवाड़ा ने क्या कहा है दोस्तों, मारवाड़ की नूरजहां। गुलाब राय ने जोधपुर में रानीसर तालाब, महिला बाग का झालरा तथा गुलाब सागर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और इसी के कहने पर विजय सिंह ने मारवाड़ में पशुवध पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। और इस विजय सिंह ने मारवाड़ में वैष्णव संप्रदाय के क्या बनवाए थे, मंदिर बनवाए थे। देखिए दोस्तों विजय सिंह के बाद में अगला जो शासक हुआ था वो हुआ था भीम सिंह। कौन हुआ था, भीम सिंह। और इस भीम सिंह का जिक्र में मेवाड़ रियासत में भी कर चुका हूँ। जब मैं मेवाड़ के शासक भीम सिंह को पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इस भीम सिंह का विवाह किसके साथ में तय हुआ था, कृष्णा कुमारी के साथ में क्या हुआ था, तय हुआ था। भीम सिंह का विवाह किसके साथ में हुआ था दोस्तों, कृष्णा कुमारी के साथ में। लेकिन शादी से पहले ही भीम सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है। देखिए अगला जो शासक अपन को पढ़ना है वो कौन है, भीम सिंह। इसमें हमें कुछ भी याद नहीं करना है दोस्तों, बस इतना ध्यान रखना है इसका विवाह, इसका विवाह मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के साथ तय हुआ था, लेकिन शादी से पूर्व ही इसकी मृत्यु हो गई, इसका विवाह दोस्तों किसके साथ में तय हुआ था, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के साथ में तय हुआ था। और शादी से पूर्व ही इसकी क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। इसके बाद में इसका एक छोटा भाई हुआ था मान सिंह। और इसके बाद में जो गद्दी पर बैठा था दोस्तों वो कौन बैठा है, मान सिंह। तो देखिए दोस्तों अगला जो शासक हुआ है वो कौन हुआ है आपका, मान सिंह। देखिए दोस्तों मैंने मेवाड़ रियासत में आपको पढ़ाया होगा कि एक रियासत थी मेवाड़, एक रियासत थी मारवाड़, एक रियासत थी आमेर। मैंने मेवाड़ में आपको पढ़ाया होगा कि मेवाड़ का शासक हुआ था भीम सिंह। कौन हुआ था दोस्तों, भीम सिंह। इधर मारवाड़ के शासक भी कौन था, भीम सिंह। और इधर आमेर का शासक था जगत सिंह। जिन बच्चों ने मेवाड़ पढ़ा है उनको ये सारी घटनाएं पता है। देखिए मैंने बताया था इस भीम सिंह की एक पुत्री हुई थी दोस्तों कृष्णा कुमारी। कौन हुई थी, कृष्णा कुमारी। तो कृष्णा कुमारी की जो शादी फिक्स हुई थी वो किसके साथ में हुई थी दोस्तों, भीम सिंह के साथ में। मारवाड़ के भीम सिंह के साथ में इसकी क्या हुई थी दोस्तों, शादी फिक्स हुई थी। लेकिन विवाह से पूर्व ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसका जो विवाह है वो किसके साथ में तय किया गया, जगत सिंह के साथ में। तो इस भीम सिंह का एक भाई था और भाई का नाम क्या मिलता है दोस्तों, मान सिंह। क्या नाम मिलता है, मान सिंह। ये कृष्णा कुमारी से शादी करना चाहता था और इस कृष्णा कुमारी की वजह से मानसिंह और जगत सिंह के मध्य दोस्तों एक युद्ध लड़ा गया था। और उस युद्ध का जिक्र मैं मेवाड़ में भी कर चुका हूं। इनके मध्य एक युद्ध हुआ था, कौन सा, गिंगौली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है दोस्तों, गिंगौली का युद्ध। और गिंगौली जो स्थान है ये कहां पर पड़ता है, पर्वतसर नागौर में। कहां पर है स्थान,
पर्वतसर नागौर में दोस्तों एक युद्ध हुआ था, कौन सा? गिंगोली का युद्ध। और पर्वतसर नागौर में ये कब हुआ है? 1807 ईस्वी में, 1807 में एक युद्ध लड़ा गया है, गिंगोली का युद्ध, पर्वतसर नागौर 1807। और इस युद्ध में आमने सामने कौन थे दोस्तों? जगत सिंह वर्सेज मान सिंह। आमने सामने कौन है दोस्तों? जगत सिंह वर्सेज मान सिंह। और इस युद्ध में जगत सिंह का जो साथ दिया था, जगत सिंह का साथ दिया था किसने दोस्तों? पिंडारियों के सरदार अमीर खां पिंडारी ने। किसने दिया था दोस्तों? अमीर खां पिंडारी ने। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अमीर खां पिंडारी ने इसका साथ दिया था। मैंने उस दिन भी बताया था कि इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी दोस्तों? जगत सिंह की। और हार किसकी हुई थी? मान सिंह की। तो देखिए, गिंगोली का युद्ध कहाँ पर हुआ है? पर्वतसर नागौर। कब लड़ा गया था? 1807 ईस्वी में। आमने सामने कौन थे दोस्तों? जगत सिंह वर्सेज मान सिंह। इस युद्ध में जगत सिंह की क्या होती है? जीत होती है, क्योंकि जगत सिंह का साथ किसने दिया था? अमीर खां पिंडारी ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? अमीर खां पिंडारी ने जगत सिंह का साथ दिया था, इसलिए किसकी जीत होती है दोस्तों? जगत सिंह की। इस युद्ध में मान सिंह की क्या होती है? हार होती है। ये युद्ध किसके लिए हुआ था? कृष्णा कुमारी, बाद में अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर ही कृष्णा कुमारी की जहर देकर क्या की गई थी? हत्या की गई थी। इसके बाद में बात करें देखिए दोस्तों, तो मान सिंह जब राजा बना था, देखिए मान सिंह के राजा बनने के कोई चांस नहीं थे, क्योंकि शासक था भीम सिंह। अगर भीम सिंह और कृष्णा कुमारी की शादी हो जाती और कोई बच्चा हो जाता तो निश्चित है राजा के बाद राजा का बेटा ही शासक बनता है, तो निश्चित शासक भीम सिंह का बेटा बनता। लेकिन भीम सिंह की आकस्मिक मृत्यु के कारण, और गद्दी किसको मिली थी दोस्तों? मान सिंह को। तो ये मान सिंह के जो गद्दी मिलने की भविष्यवाणी की थी, वो नाथ संप्रदाय का एक गुरु हुआ था आयस देव, और इस आयस देव ने इसकी क्या की थी? भविष्यवाणी। इस बात से मान सिंह बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, और आयस देव को बहुत बड़ा साधु मानता था, और नाथ संप्रदाय के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा बढ़ गई। इसलिए दोस्तों उसने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर जोधपुर में एक मंदिर है, महामंदिर, जो राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है, महामंदिर का क्या करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने। तो देखिए दोस्तों, मान सिंह के राजा बनने की जो भविष्यवाणी की थी, मान सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी, मान सिंह के राजा बनने की जो भविष्यवाणी की है, वो की थी नाथ संप्रदाय से के गुरु आयस देव ने। किसने की है दोस्तों? नाथ संप्रदाय के गुरु आयस देव ने मान सिंह के राजा बनने की क्या की है दोस्तों? भविष्यवाणी की थी। अब देखिए, निश्चित है जब आयस देव ने भविष्यवाणी की है तो मान सिंह इससे प्रभावित होगा, तो मान सिंह ने नाथ संप्रदाय से प्रभावित होकर, नाथ संप्रदाय से प्रभावित होकर महामंदिर, कौन सा मंदिर दोस्तों? महामंदिर, महामंदिर। और महामंदिर कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में। इसने नाथ संप्रदाय से प्रभावित होकर महामंदिर जोधपुर का क्या करवाया है? निर्माण। महामंदिर जोधपुर का क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों, मानसिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी नाथ संप्रदाय के गुरु किसने की है? आयस देव ने की है। तो नाथ संप्रदाय से प्रभावित होकर इसने महामंदिर जोधपुर का क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया। याद रखना दोस्तों, महामंदिर इसे बोलते हैं राजस्थान में नाथ संप्रदाय का, राजस्थान में नाथ संप्रदाय का
सबसे बड़ा केंद्र? राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है दोस्तों? महामंदिर, जो कहां पर है? जोधपुर में। किसने बनवाया है? मानसिंह ने। इसी महामंदिर में ऐसा बताते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हैं कौन? अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत। इसी महामंदिर में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, नोट लगा के ये बात आपको याद रखनी है, महामंदिर जोधपुर में, इसी मंदिर में अशोक गहलोत का क्या हुआ है? जन्म। अशोक गहलोत का जन्म हुआ था इसी महामंदिर में। अशोक गहलोत का क्या बताते हैं दोस्तों? जन्म हुआ था, ऐसा बताया जाता है। देखिए तो दोस्तों, मानसिंह और जगत सिंह के मध्य कृष्णा कुमारी को लेकर एक युद्ध हुआ है, कौन सा? घिंगौली का युद्ध। कहां पर हुआ है? परवस्सा नागौर। कब लड़ा गया? 1807। इस युद्ध में जगत सिंह का साथ किसने दिया था? अमीर खां पिंडारी ने। तो इस युद्ध में जीत किसकी होती है? जगत सिंह की, और हार किसकी होती है? मानसिंह की। मानसिंह के जो राजा बनने की भविष्यवाणी की थी वो नाथ संप्रदाय के गुरु किसने की थी? आयस देव ने। तो इस नाथ संप्रदाय से प्रभावित होकर मानसिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है कौन सा? महामंदिर, जो कहां पर है? जोधपुर में। इसका क्या करवाया था? निर्माण। देखिए, इसी महामंदिर में हमारे मुख्यमंत्री किसका जन्म हुआ था? अशोक गहलोत का। और ये जो महामंदिर है राजस्थान में, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? केंद्र है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का जो सबसे बड़ा केंद्र है दोस्तों, वो कौन सा है? महामंदिर। कौन सा मंदिर है? महामंदिर। और महामंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। देखिए, अभी मानसिंह आपका पूर्ण नहीं हुआ है, मानसिंह में कुछ और भी बातें हैं जो हमें पढ़नी है। देखिए, हम पढ़ रहे थे कि शासक को मानसिंह, देखिए बात करें मानसिंह की, तो मानसिंह की बात करें, देखिए मानसिंह नाथ संप्रदाय से प्रभावित हुआ था, तो इसकी ज़्यादातर जो समय ये बिताता था वो सन्यासियों के साथ में बिताता था। ये सोचता था, नाथ संप्रदाय से ये बहुत प्रभावित हुआ था दोस्तों। जब हम नाथ संप्रदाय पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ पढ़ेंगे कि मानसिंह उससे इतना प्रभावित हुआ था कि इसने अपना नाम तक बदल कर माननाथ रख लिया था। क्या रख लिया था दोस्तों? माननाथ। तो याद रखना, मानसिंह को बोला जाता है इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहते हैं। इसे मारवाड़ का क्या बोला जाता है? सन्यासी राजा। किसे कहते हैं दोस्तों? मानसिंह को मारवाड़ का क्या बोलते हैं? सन्यासी राजा कहते हैं। देखिए, मानसिंह ने, इसने जोधपुर में एक दुर्ग है मेहरानगढ़, इसने जोधपुर में मान पुस्तकालय, जिसे मान प्रकाश पुस्तकालय कहते हैं, मान प्रकाश पुस्तकालय का क्या करवाया था? निर्माण। मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। कौन सा पुस्तकालय बनवाया है दोस्तों? मान प्रकाश पुस्तकालय का क्या करवाया है? निर्माण करवाया था। किसने करवाया है? मानसिंह ने। तो इसने जोधपुर में मान प्रकाश पुस्तकालय का क्या करवाया है दोस्तों? निर्माण करवाया था। किसने करवाया है? मानसिंह ने। मानसिंह की बात करें, देखिए, इसने 1818 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी
के साथ में संधि कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या की है दोस्तों, संधि कर ली। देखिए मैंने जब मेवाड़ पढ़ाया था तो मेवाड़ में बताया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में राजस्थान की रियासत जिसने संधि की है वो कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मेवाड़ में शासक कौन था संधि करने वाला, तो वो था भीम सिंह। कौन था दोस्तों, भीम सिंह। और यहाँ मारवाड़ में शासक कौन है, मान सिंह, मान सिंह का दरबारी। मानसिंह का दरबारी, इसका जो दरबारी हुआ है दोस्तों ये हुआ है बांकी दास। कौन हुआ है, बांकी दास। देखिए इसका दरबारी जो कवि हुआ था वो हुआ है कौन दोस्तों, बांकी दास। और बांकी दास के अगर हम ग्रंथों की बात करें, बांकी दास के ग्रंथ देखिए, बांकी दास ने एक बहुत फेमस जो ग्रंथ लिखा है वो है दातार बावड़ी। कौन सा ग्रंथ लिखा है, दातार बावड़ी या बावड़ी बावनी, दातार बावनी, ये किसका ग्रंथ है दोस्तों, बांकी दास का। इसके अलावा बांकी दास ने एक ग्रंथ लिखा है बांकी दासरी ख्यात, जिसमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों का क्या है, वर्णन है। इसने लिखा है मान जसो मंडन। कौन सा ग्रंथ लिखा है, मान जसो मंडन। कौन सा ग्रंथ है, मान जसो मंडन। इसके अलावा बात करें तो इसने जो ग्रंथ लिखा है वो है बांकी दासरी ख्यात, तो उस ग्रंथ की बात में बात करूंगा। इसने एक और ग्रंथ लिखा है दोस्तों, कुकवी बत्तीसी। कौन सा ग्रंथ है, कुकवी बत्तीसी। और देखिए इसका जो सबसे फेमस ग्रंथ है, इसने सबसे फेमस जो ग्रंथ लिखा है दोस्तों ये है बांकी दासरी ख्यात। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों, बांकी दासरी ख्यात। और याद रखना दोस्तों इस बांकी दासरी ख्यात में जोधपुर, इसमें जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन है। इसमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों का क्या है दोस्तों, वर्णन है। तो मानसिंह का दरबारी कौन हुआ है, बांकी दास। और बांकी दास के ग्रंथ दातार बावणी, मान जसो मंडन, कुकवी बत्तीसी और बांकी दासरी ख्यात, ये सबसे फेमस ग्रंथ है। इसमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों का क्या मिलता है, वर्णन। देखिए दोस्तों ऐसा बताते हैं कि ये जो बांकी दास हुआ था इसने राजस्थान के जिन शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी उनका क्या किया था, विरोध किया था या उनकी क्या की थी, आलोचना। तो बांकी दास जो हुआ है राजस्थान के जिन शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी उनका इसने क्या किया था, आलोचना की थी। तो यह बात मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए दोस्तों बांकी दास ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले शासकों की आलोचना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले शासकों की आलोचना की थी, किसने की है दोस्तों, बांकी दास ने। बांकी दास ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले शासकों की क्या की है दोस्तों, आलोचना की है। तो यहाँ पर देखिए हमने राजा मानसिंह के बारे में पढ़ा है, ये मारवाड़ का मानसिंह है। देखिए फेमस जो मानसिंह है उसे हम आमेर रियासत में मैं पढ़ाऊंगा, कछुआ वंश में पढ़ेंगे, लेकिन मारवाड़ में भी एक मानसिंह हुआ है
पहले इन बातों को बताऊं, इसे मारवाड़ का क्या बोला जाता है दोस्तों, सन्यासी राजा कहते हैं। इसके बाद इसने जोधपुर में मान पुस्तकालय का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या की थी, संधि की थी। इसका दरबारी कौन हुआ है, बांकी दास। और बांकी दास के ग्रंथ कौन से हैं दोस्तों, दातार वावनी, मान जसो मंडन, कुकी बत्तीसी, बांकी दास रिख्यात। इसमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। बांकी दास ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले शासकों की क्या की थी, आलोचना की थी। किसने की है दोस्तों, बांकी दास ने। तो देखिए दोस्तों, आज की हम बात करें तो आज हमने जो पढ़ा है मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के बाद का इतिहास पढ़ा है, और अजीत सिंह के बाद के इतिहास में हमने सबसे पहले पढ़ा था अभय सिंह को। अभय सिंह की बात करें तो अभय सिंह के काल की प्रमुख घटना 1730 ईस्वी में खेजड़ली गांव जोधपुर में घटी थी। यहां अमृता देवी बिश्नोई की नेतृत्व में वृक्षों की रक्षा करते हुए 363 स्त्री पुरुष मारे गए थे। अमृता देवी के पति का नाम था रामू या रामो। खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, 12 सितंबर। वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है, खेजड़ली गांव में भाद्रपद शुक्ला दशमी को। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वानिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। राजस्थान में शुरुआत हुई थी 1994 और पहला प्राप्तकर्ता था गंगाराम बिश्नोई। इसके बाद में बात करें, देखिए इस जैसा ही एक आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, 1973 उत्तराखंड में हुआ था, और इसके प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुड़ा माने जाते हैं। इसके बाद में मैंने बात की थी विजय सिंह के बारे में। विजय सिंह जो हुआ है, इसने मारवाड़ में विजयशाही सिक्का चलाया था। इसने सर्वप्रथम अपनी सेना में दादू पंथियों को जगह दी थी। इसकी प्रेमिका या पासवान थी गुलाब राय ने गुलाब सागर और झालरा महिलावाग का झालरा। इसके अलावा रानीसर तालाब का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कहाँ पर, जोधपुर में। इसके बाद में देखिए श्यामलदास भीलवाड़ा ने इस गुलाब राय को मारवाड़ की क्या कहा है, नूरजहां। इसी गुलाब राय के कहने पर विजय सिंह ने मारवाड़ में पशुवध पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। विजय सिंह ने मारवाड़ में वैष्णव संप्रदाय के क्या बनवाए थे, मंदिर। विजय सिंह के बाद में अगला शासक हुआ था भीम सिंह का विवाह कृष्णा कुमारी के साथ तय हुआ था, लेकिन शादी से पहले ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद में हमने पढ़ा था मान सिंह, कृष्णा कुमारी को लेकर मान सिंह और जगत सिंह में एक युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध, जो परवस्सर नागौर में 1807 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में जगत सिंह का साथ पिंडारियों के सरदार अमीर खां पिंडारी ने दिया था, और इस युद्ध में जीत हुई थी किसकी, जगत सिंह की। इसके बाद में देखिए मानसिंह के राजा बनने की जो भविष्यवाणी की थी वो नाथ संप्रदाय के गुरु आयस देव ने की थी, और आयस देव से प्रभावित होकर इसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े केंद्र महामंदिर का क्या करवाया, निर्माण। इसी महामंदिर में बताते हैं अशोक गहलोत का क्या हुआ था जन्म। इस मान सिंह को मारवाड़ का क्या बोला जाता है, सन्यासी राजा। इसने जोधपुर में मान प्रकाश पुस्तकालय का क्या करवाया, निर्माण। इसने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कर ली थी दोस्तों, संधि कर ली थी। मान सिंह का जो दरबारी हुआ है वो बांकी दास हुआ है, और बांकी दास के ग्रंथ हैं दातार वावनी, मान जसो मंडन, कुकवी बत्तीसी। बांकी दास का एक फेमस ग्रंथ है बांकी दास रिख्यात। इसमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। बांकी दास ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले शासकों की क्या की थी दोस्तों, आलोचना की थी। तो इन शासकों के बारे में हमने आज पढ़ा है। मारवाड़ में जब संधि हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उसके बाद में मारवाड़ की क्या स्थिति रही है, उसकी चर्चा हम करेंगे दोस्तों अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज हमने बस इन शासकों के बारे में पढ़ा है। 1818 में संधि करने के बाद मारवाड़ के इतिहास में क्या परिवर्तन आए, क्या यहाँ पर हुआ है, उसकी चर्चा हम दोस्तों करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस बात की चर्चा करें, हमारे डिजिटल ऐप के बारे में बताइए, और जितना हो सके इससे लाभ लेने की कोशिश कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं आपको खूब विस्तृत रूप में देने की, जिससे आप एक बार किसी भी चीज़ की तैयारी कर लो, आपको बार बार तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, मैं जो अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ, मैं इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार आपको हिस्ट्री पढ़ने के बाद कभी दोबारा हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत महसूस ना हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर किया करें। अगर इस वीडियो में कुछ कमी भी लग रही हो तो उसे भी हमारे लिए बताया करें। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।